नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच आज जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन मामले में सुनवाई करेगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवाई की बेंच के सामने जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला है। बताया जा रहा है कि सुनवाई सुबह 11:30 बजे के बाद होगी। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलवाकर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई है, जबकि दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बुधवार को हुई घटना का जिक्र करने पर भी विचार कर रहा है और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के स्थगन आदेश के 1.5 घंटे बाद भी बुलडोजर चालू रहना कोर्ट की अवमानना है। इसको लेकर नगर निगम पुलिस प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहांगीरपुरी हिंसा के विरोध में आज जामिया में दोपहर 2 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय छात्र संघ के एक समुदाय विशेष के घरों पर बुलडोजर चलाने और उन पर हुए प्रायोजित हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर इस मामले में कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिना सूचना के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि वह गुरुवार सुबह वरिष्ठ नेताओं के साथ जहांगीरपुरी का दौरा करेंगे। वहीं इससे पहले कल जहांगीरपुरी में करीब 2 घंटे तक एमसीडी की कार्यवाही चली है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी ने 7 बुलडोजर चलाए थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम ने 25 से ज्यादा सामान को जब्त किया और 12 अवैध दुकानों को तोड़ा था। उधर जहांगीरपुरी में बुधवार को बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों ने हस्तक्षेप करते हुए एमसीडी की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यथास्थिति का आदेश जारी किया था। सीजीआई ने कहा कि गुरुवार को मामले की अगली सुनवाई होगी और इससे पहले एमसीडी की ओर से कोर्ट में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने तर्क दिया कि जिन संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है वे अवैध हैं। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि दरअसल जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था और इसके बाद दोनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और 1 स्थानीय शख्स जख्मी हो गया था। इस मामले में पुलिस 2 नाबालिग समेत 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बिना इजाजत जुलूस निकालने पर भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। हिंसा की बारीकी से पड़ताल करने के लिए पुलिस 200 वीडियो की जांच कर रही है। जो कुछ भी हो चुका है ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलांटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा ये है कि एक लीगली अगर ऐसा कहा जाए तो एक नया जुरिसप्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिसप्रूडेंस। चौथी चीज़ यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। जहां जहां अतिक्रमण था वहां वहां कार्रवाई हुई। अगर ओएसी को लगता है कि अतिक्रमण मस्जिद के आसपास था तो वहाँ कार्रवाई हुई। धर्म विशेष को देखकर कार्रवाई नहीं की जाती है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ओएसी इस पूरे प्रकरण का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आश्चर्यजनक बात है भाई, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 9:45 में या 10 बजे के आसपास आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटे तक ये अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन अपना कार्रवाई करता रहा, बुलडोजर चलाता रहा। मैं समझता हूँ कि इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ज़रूर लेगा।
और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है देश के अंदर हर जगह जो माहौल को बिगाड़ने का काम चल रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। एक तरह से कहा जाए कि आग से खेलने का काम हो रहा है। किसी भी एक्यूज की अगर प्रॉपर्टी इलीगल है तो उस पर कार्रवाई संवैधानिक भी है, वैधानिक भी है, और जयंत चौधरी जैसे लोगों के लगातार मुस्लिम तुष्टिकरण के प्रयासों के बावजूद जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उन पर एक कार्रवाई होती रहेगी। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले को लेकर के अब सियासत गरमाती जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है और 11:30 बजे के बाद सुनवाई होना बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सुरेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जतिंदर पॉल जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी जतिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। आर बी उपाध्याय जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। आर बी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जतिंदर पॉल जी, आप लगातार विरोध कर रहे हैं दिल्ली में जहांगीरपुरी मामले पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के, कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर अराजक तत्वों पर बुलडोजर चल रहा है तो कहां पर समस्या आ रही है, कहां पर दिक्कत आ रही है आम आदमी पार्टी को? अराजक लोग जो हैं, ये कौन है? वो कौन है वो लोग? वो विदेशी लोग हैं। ये जो जुलूस उस दिन निकला जहांगीरपुरी में और उसका रूट बिना परमिशन का रूट तय किया गया, और उसके बाद अगर ये हिंसा भड़की है तो ये तो पहले से ही एक स्क्रिप्टेड काम था। अब इससे पहले भी घटना हो चुकी है गुरुग्राम में। देखिए, इसको तो कानून के दायरे के अंदर ही कंट्रोल करना चाहिए था। ये ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि लोग नंगी तलवारें लहरा रहे हैं, कट्टा नजर आ रहा है, फायरिंग भी हुई है। अब जिनके पास परमिशन है दुकानदारों के पास, उनकी दुकानें भी उठा दी गई, उनको ऊपर भी बुलडोजर चल गया, मस्जिद पर भी चल गया। ये आज के दिन ये क्यों याद आ रहा है कि ये गैर अवैध जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको घेरना है? वो तो पूरे अगर दिल्ली की बात कर ले तो ये हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों अवैध स्ट्रक्चर होंगे। बॉम्बे देख लीजिए, कांगड़ा रनौत का घर देख लीजिए, सभी अवैध ही है। लेकिन ये जो कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई कर रही है ये ठीक नहीं है। पर इसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया, क्योंकि कानून के दायरे के अंदर रहकर ही कोई बात करनी चाहिए। कोई भी अराजक अराजकता फैला रहा है तो उसको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। जिसने भी ऐसा गलत काम किया है, जो हमारे भारत जैसे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में तो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें जो अराजकता फैलाएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बहुत हमारा देश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहाँ ऐसी गैर कानूनी गैर सामाजिक तत्व जो लोग हैं जो भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में। अब ये जो बुलडोजर चला है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डेढ़ घंटा बुलडोजर चलता रहा। फिर वृंदा कर्त उसके बुलडोजर के आगे आकर जब खड़े हो गए, उन्होंने रिटन कार्रवाई दिखाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखवाए, तभी ये बुलडोजर रुके हैं। और इसमें मैंने कल आपके चैनल के बाद मैंने वीडियो भी कुछ देखी है, जिसमें एक सुभाष चंद्र नाम के व्यक्ति हैं, वो 90 से उनकी दुकान है, वहां परमिशन ली हुई है उन्होंने, सारा कुछ है, अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं थी वो। तो ऐसी बहुत ज्यादा जो वैध थी वो भी तोड़ दी, उन पर भी बुलडोजर चला दिया गया। तो ये कहीं भी कोई भी इसको ठीक कार्रवाई नहीं मानेगा। सुरेंद्र सिंह जी भाई, जतिंदर जी कह रहे हैं, इनकी बात में भी कहीं ना कहीं तो दम है।
कानून है देश में, आप सीधे बुलडोजर चला देंगे। अगर किसी का निर्माण जो है वो नियम को ताक पर रख करके उसका निर्माण करवाया गया है, किसी व्यक्ति ने करवाया है अपने दुकान का, अपने घर का, तो आप उसको नोटिस देंगे, आप उसको जवाब देने का समय देंगे, उससे भी तो पूछेंगे ना कि आखिर आपने क्यों बनवाया। ये कानूनी प्रक्रिया है, उसको अपनी बात रखने का हक है और ये देना भी चाहिए। लेकिन बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के आप बुलडोजर लेकर के किसी के घर पर पहुंच जाएंगे और कह देंगे कि ये मानक के विपरीत बनाया गया है, आप उसके घर को, उसके दुकान को ढहा देंगे। ये किस कानून के तहत आता है भाई? योगेश जी, जहां तक बात रहा अवैध निर्माण का या नोटिस की बात रही, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि बुलडोजर, ये पहली बार ऐसा ये जहां त्रिपुरी में ले जाके जो है गिराया गया, इससे पहले भी, इससे कुछ दिन पहले भी इस तरह का कार्रवाई हुई है। हाँ, जहां तक बात रहा कि कल जो कार्रवाई हुई है वो पहले से बोला गया था, और उस टाइम क्या था कि ये लोग जो है वहां पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, अवैध निर्माण को हटाने नहीं दिया जाता था। तो हमने पहले दो दिन पहले जो है हमने पुलिस प्रशासन से हमने अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, 15 साल से आप एमसीडी में बैठे हैं, आप कह रहे हैं वो लोग इकट्ठा हो जाते थे, 8 साल से आप केंद्र की सरकार पर काबिज हैं, आप कह रहे हैं इकट्ठा हो जाया करते थे, ये कहाँ से ज्ञान लेकर के आप आते हैं? क्यों, कौन देता है, कौन नेता आपको देता है ज्ञान भाई, किसको गुरु मान रखते हैं? अरे 8 साल से भाई आप केंद्र की सरकार में हैं, 15 साल से दिल्ली में एमसीडी में हैं। अरे तो केंद्र की सरकार में है, हम अलग अलग जगह पे हमारा काम चल रहा था, ये जरूरी नहीं है कि जो पहले हम जहांगीरपुरी में ही काम करते, दिल्ली के एमसीडी कहाँ अलग जगह काम करा रहे थे, जरा मुझे बताइए, समझाने की कोशिश करिए। दिल्ली के अंदर जो अवैध निर्माण थे उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा था, और हमने दो दिन पहले हमने पुलिस प्रशासन से हमने पुलिस का मांग किया और उन्होंने हमको देने कोई एक जगह, कोई एक जगह, एक सेकंड सुनिए, कोई एक जगह का नाम आप मुझे बताइए जहां पर बुलडोजर आपने इसके पहले चलवाया हो दिल्ली में, कोई एक जगह का नाम बताइए। योगेश जी, जहां तक बात है, योगेश मैं जो पूछ रहा हूं, सुरेंद्र जी देखिए मुद्दे पे आइए, आपने कहा कि इसके पहले कार्रवाई हो रही थी, आप दिल्ली में कोई एक ऐसी लोकेशन, कोई एक ऐसी जगह बताइए जहां पर इसके पहले आपने बुलडोजर चलवाया हो, वो आप बताइए बस, सीधा सा सवाल है और सीधा जवाब चाहूंगा आपसे। नहीं, मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ, सीधा ही जवाब दे रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी चाहे ये कांग्रेस, ये लोग जो है सिर्फ देश को बांटने का काम कर रहा है। सुरेंद्र जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, पूरे मुद्दे पर चर्चा करूंगा। मैंने जो पूछा, आपने जो कहा उस पर मैंने सवाल पूछा, आपने कहा इसके पहले दिल्ली में अन्य जगहों पर कार्रवाई हम कर रहे थे, अन्य जगहों का जो ये तामझाम था वो सब सही कर रहे थे, तो केवल एक ऐसी जगह का नाम मुझे बता दीजिए जहांगीरपुरी के पहले जहां पर आपने बुलडोजर चलवाया हो अतिक्रमण हटवाने के लिए, आप वो जगह के केवल नाम बताइए बस, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम। इससे पहले हमने उत्तम नगर साइड में हमारा कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला इससे पहले जो है, बुलडोजर चला उत्तम नगर में, अरे जरूर नहीं है कि जो बुलडोजर ही हो, बुलडोजर जरूरी नहीं है कि बुलडोजर से ही हटाया जाए, लेकिन जो अवैध निर्माण था उसको हटाने का काम किया गया है। इस बात को आप योगेश जी मानिए कि इससे पहले जो है आज बुलडोजर आ गया, बुलडोजर इसलिए बुलडोजर का नाम ज्यादा फेमस हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से वहां पे जो जितने भी ये अवैध तरीका से जिन्होंने कब्जा कर रखा था उनके ऊपर कार्रवाई किया, तो बाबा का नाम आज पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में नाम फेमस है। इसलिए जो है बुलडोजर का नाम लेके आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर इससे पहले, अरे जो यहाँ पे अवैध तरीका से जिन्होंने कब्जा कर रखा था उसके ऊपर कार्रवाई की गई, किया गया, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। और जहां तक बात आप सीधा पता नहीं है, मैं जो सीधा से सवाल पूछ रहा हूँ, कोई कानून है क्या, नियम है, अगर आप जो है, एक सेकंड ये बताइए, अगर आप जो है मानक के विपरीत अगर मकान बनाते हैं तो उसका प्रावधान क्या है, कानूनी कार्रवाई क्या होती है? कानून के तहत ही हमने किया ना, जो अवैध था उसको हमने हटाया, कानूनी कार्रवाई क्या होती है, आप सीधा उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, उसका घर ढहा देंगे? आप बुलडोजर, हमने किसी जाति विशेष पर हमने बुलडोजर नहीं चलाया,
अरे मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो भाई आप किसी जाति विशेष पर क्या पहुंच रहे हैं? मैं फिर उस गजब की बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र जी, मैंने किसी जाति विशेष संप्रदाय धर्म का नाम ही नहीं लिया, मैंने सभी के लिए बात की है। वो आप बताइए कानूनी प्रक्रिया क्या है, कानून से ऊपर है क्या आप? कानून से आप बाहर कहां चले हैं? तो कानून आपने नोटिस जारी किया था उन लोगों को, नोटिस देने के बाद आपको आपको जानकारी है कितने दिन के लिए समय दिया जाता है? आपको जानकारी है इस बात की? अरे जो मैं पूछ रहा हूँ सुरेंद्र जी, मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए आप, आपको ये जानकारी है कि अगर कोई मानक के विपरीत मकान बनवाता है तो उसे नोटिस कितने दिन के लिए, कितने दिन के अंदर उसे जवाब मांगा जाता है नोटिस जारी करके? आपको जानकारी है ये? जो जो अवैध निर्माण है उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है, इस बात को आप मानिए। जो गलत तरीका से अगर वो बनाएगा उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। चलिए आते ये ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए भाई, रुक जाइए सुरेंद्र जी, आ गई आपकी बात। आरवी उपाध्याय जी देखिए, आपने दोनों लोगों को सुना, सुरेंद्र जी एक नई चीज मुझे बता रहे हैं, ये इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं थी अभी तक, कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, आपने मकान अपना बनवाया तो उसमें नोटिस नहीं दी जाएगी, उसमें सीधे आके बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसमें आपका पक्ष रखने की कोई जरूरत नहीं है। कानून मतलब आपसे ये नहीं जानना चाहेगा कि आपने आखिर क्यों ऐसा किया? देखिए योगेश, ये देश संविधान से चलता है और नियम और कानून सब पर लागू होते हैं। अगर अवैध निर्माण कोई कर रहा है तो उस पर भी कानून लागू होता है, और जो तोड़ रहा है उस पर भी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के पालन की जिम्मेदारी होती है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हुआ, अवैध निर्माण हुआ, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। और बड़ा चिंता का विषय है योगेश कि राजनीतिक छत्र छाया में सरकारी जमीन पर कब्जा करिए, मकान बनाइए, रोड पर कब्जा करिए, दुकान बना लीजिए, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी और हो सकता है पेंशन वगैरह का भी बंदोबस्त हो जाए। तो इस देश में इसीलिए जो बाहर से लोग आते हैं वो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, क्यों? देखिए खाने पीने के लिए फ्री मिल रहा है, पानी बिजली भी मिल रही है, और रहने के लिए सरकारी जमीन फ्री है, वहां आप आराम से दुकान बनाइए, मकान बनाइए। पहली बात तो जो एजेंसियां हैं वो जब अतिक्रमण हो रहा होता है तब आंखें बंद करके बैठी रहती हैं, या पैसे लेकर आंखें बंद कर लेती हैं, भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण होता है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कोई भी अवैध निर्माण पैसे दे के बना लेने से, मान लो मैं सड़क घेर लेता हूँ, तो वो वैध नहीं हो जाता। उसमें तर्क दिया जाता है कि भी उन्होंने क्यों बनने दिया। मान लीजिए किसी ने गलत काम के लिए आंखें बंद कर ली और कोई एक्शन नहीं लिया और जमीन कब्जा हो गई सरकारी जमीन, तो देखिए वैध नहीं कहा जा सकता, अवैध अवैध ही रहेगा। और वहां के जो लोग हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, मान लीजिए कोई पार्क था तो जो वहाँ टैक्स पेयर है, जो बिजली का बिल भी भरता है, पानी का बिल भी भरता है, उसके लिए बनाया जाता है कि वो वहाँ खेलेगा घूमेगा, लेकिन वहाँ बस से बदतर स्थिति पैदा कर ली जाती है। कल जो हुआ जहांगीरपुरी में, बिल्कुल नोटिस देना जरूरी होता है, एक सर्टेन टाइम दिया जाता है कि इतने दिन में आप जवाब देंगे, और आप संतुष्ट नहीं होते तो उसको कहते हैं आप ये खाली कर दें करेंगे। देखिए मायावती का भी इस पर बयान आ गया है ट्विटर के जरिए, उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है और एक बात उन्होंने कही है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। भाई क्या ये अधिकारी सो रहे थे क्या? एमसीडी के जो अधिकारी थे वो क्या सो रहे थे जब अतिक्रमण हुआ? क्या इन अधिकारियों के पास कोई इसकी जानकारी नहीं थी क्या? ये जो हम देखते हैं, केवल हम जहांगीरपुरी का ही क्यों जिक्र करें, हम अन्य जगहों का भी जिक्र करें, ये जो जेईई ये सब दुनियादारी होते हैं, ये जेई की जिम्मेदारी क्या होती है भाई? इनकी बाबुओं की जिम्मेदारी क्या? क्या इन लोगों को जानकारी नहीं होती क्या? अवैध अतिक्रमण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, सालों साल, दस दस साल, बीस बीस साल बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं, और जब कोई दंगा होता है तब इन्हें अवैध अतिक्रमण समझ में आता है। मुझे लगता है अगर जहांगीरपुरी में ये मामला ना होता, दंगा ना हुआ होता, तो अभी भी कोई मामला नहीं होता। ये बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर नहीं चलता, किसी को अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। देखिए योगेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने,
अधिकारियों की मिली भगत और संरक्षण से ही अवैध निर्माण होते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन जो अवैध निर्माण है उसको छोड़ दिया जाए, जो जमीन कब्जा की गई है उसको न छुड़ाया जाए, ये भी गले नहीं उतरता है। बिल्कुल उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसने जमीन घेरी है, कोई भी है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो दुख हो रहा है कि भाई देश विरोधी ताकतें, देखिए देश विरोधी गतिविधियां कहां से हो रही, आप देखेंगे जितनी भी ये झुग्गी बस्तियां जे जे क्लस्टर है जो सरकारी जमीन पर बसे हैं, वहां बहुत अवांछित तत्व एक्चुअल में और असामाजिक तत्व अपने आप को छुपा लेते हैं और वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। जहांगीरपुरी का जो मामला है, देखिए जिस तरीके से जुलूस पर पथराव और गोली और जो भी तलवारों का जो प्रहार था, वो तो पुलिस अगर चौकस नहीं होती, पाठक जी वहां पर खुद मैंने देखा कि एक मीडिया चैनल दिखा रहा था कि खुद हेलमेट पहन के वो उनके बीच में थे, तो स्थिति भयावह हो सकती थी। तो इसको रोकना होगा, ये चिंता का विषय है। देश विरोधी ताकतें कौन है, इन्हें पहचानना होगा। तो ये जनरल बिपिन रावत का वो बयान भी ध्यान आ रहा है कि हमें सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हमें ढाई और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रोक करेंगे जतिंदर जी का। जतिंदर जी देखिए भाई, कार्रवाई तो होनी चाहिए, ठीक है, कानून के तहत होनी चाहिए, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, नोटिस जारी करनी चाहिए, लेकिन आप लोग उसका समर्थन ये नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि कानून के तहत कार्रवाई की जाए। आप लोग तो बिल्कुल कार्रवाई को सिरे से ही खारिज कर दिए रहे हैं कि दरअसल जो माहौल दिल्ली का है, जो अमन बना हुआ है, जो चैन है, जो शांति है दिल्ली में, उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आप मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई ठीक हुई है लेकिन कानून के तहत होनी चाहिए, आप पूरी कार्रवाई को ही खारिज कर दे रहे हैं, कैसे चलेगा भाई ऐसे? ये भी ऐसी बात नहीं है। देखिए ये तो मैं कल भी सुन रहा था एक डिबेट में, जब उनसे पूछा गया अभी अब उनके जो आपने सभी रेजिडेंशियल एरिया को भी पर भी बुलडोजर चला दिया, कहाँ जाएंगे, तो इनका ये रिएक्शन था वो बांग्लादेश जाएंगे। तो ये तो कोई बात ना हुई ना। देखिए कानून के तहत जो बात भी की जाती है वो उस पर कोई किंतु परंतु नहीं करता कभी भी। ये बात कानून के तहत नहीं हुई, ये तो एक केवल एक वर्ग को डराने वाली बात की जा रही है। और नहीं वहां पर कहां, देखिए भाई जहांगीरपुरी में एक वर्ग कहां, सभी पे कार्रवाई हुई है, किसी वर्ग विशेष पर कहां कार्रवाई हुई है? वहां पर तो हिंदू भी थे जिनके घर गिराए गए हैं, उनके भी घर गिराए गए हैं, उनको भी खाली करवाया गया है। हाँ जी, लेकिन इसमें नोटिस कहां दिया था? जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं आ गए तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे ये लोग? अब देखिए बड़े बड़े क्राइम होते हैं, हर क्राइम को उसके लिए अदालतें बनी हुई हैं। कत्ल केस में भी अदालत को सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। अब ये लोग जो पिछले लंबे समय से पिछले इनको बताया, अगर उनमें से ज्यादा मैंने बताया कुछ वैध भी थे जो इन्होंने तोड़ दिए, लेकिन जो इलीगल ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उनको अगर उन पर बुलडोजर चलाना है तो ये इन्होंने नोटिस कब दिया? ये सुरिंदर जी कह रहे हैं नोटिस का काम ही नहीं होता है देश में। अरे जतिंदर जी हमारे साथ बीजेपी के नेता सुरिंदर जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं नोटिस का कोई काम ही नहीं होता है, नोटिस क्यों देना भाई, सीधे अगर अवैध है तो बुलडोजर चलेगा, ये पहली बार थोड़े ना कार्रवाई हुई, कई बार हुई है, कह रहे हैं नोटिस का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की जा रही है उसको तोड़ने के लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई जो ये बोल रहे हैं अवैध कंस्ट्रक्शन हो चुकी है बहुत लंबा समय पहले, उसको तोड़ने के लिए नोटिस देना पड़ता है, ये तो कानून है।
ये तो सभी को मालूम है, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए हम पूछ ले रहे हैं, नहीं तो कहने से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुरेंद्र जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने पर कि ये इंकारी इंकारी हो गए। इतनी इतनी जरूरत सुप्रीम कोर्ट की तोहीन की है इन्होंने। और फिर उसके बाद देखिए, मैं तो ये देश को बांटने वाले लोग दूसरों को बता रहे हैं, हम इनको बता रहे हैं। दरअसल ये हिटलर ही कार्रवाई इसको बोल सकते हैं हम। ये इतना ज्यादा डराने वाली कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण को पता नहीं कहाँ कहाँ है। अगर ये उनको ठीक सच कर दे सारे देश में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इन्होंने ठेकेदारी ले रखी है क्या? अब बीजेपी का रूल एमसीडी पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है एमसीडी पे, तो ये बनवाई किसने? और फिर एक प्लान वे से इनको हटाया जा सकता है जिसमें लोग विरोध भी ना करें। अगर कोई डेवलपमेंट करनी है तब भी कई बार जमीन सरकार टेक ओवर करती है बिल्डिंग्स को। लेकिन ये तो लोग उनका धंधा था, उन्हें इन्होंने तो सारा कुछ उनका उजाड़ कर रख दिया। घर तोड़ दिए, मस्जिद की दीवार तोड़ दी, मस्जिद का गेट तोड़ दिया, ये क्या है ये? तो टोटल कार्रवाई को अगर आप एक देखें उसको, टोटल कार्रवाई को बिना किसी पक्षपात के, तो ऐसा लग रहा है ये जानबूझकर कार्रवाई करवाई गई है। बीजेपी डराने वाली नीति उनकी यूपी में भी है और वही नीति ये यहाँ दिल्ली में भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार के पास तो कुछ है नहीं। पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एमसीडी पर बीजेपी काबिज है। देखिए जतिंदर जी कह रहे हैं कि जब कोई निर्माण हो रहा हो उस दौरान अगर अतिक्रमण आप कर रहे हो, उस दौरान अगर आप मानक को ताक पर रख रहे हो, तब तो आप उसको ढहा सकते हैं। लेकिन अगर निर्माण हो चुका है, उसमें लोग रह रहे हैं, सालों साल से लोग वहां पर रह रहे हैं, तो उसके बाद तो नोटिस देना जरूरी है भाई। और उसके बाद अगर कोर्ट ने रोक दिया है कार्रवाई पर कि बुलडोजर की कार्रवाई को अब नहीं आगे किया जाए, जो हालात हैं वैसे ही उसी स्थान पर उसे हालात पर उसको छोड़ दिया जाए, बावजूद इसके बुलडोजर चलता रहता है। देखिए योगेश जी, अवैध निर्माण के ऊपर जो कार्रवाई है ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मैं पहले भी बोला, अभी मैं बोल रहा हूँ, जे खलपुरी नंगलोई में हुई, उत्तम नगर में हुआ, बसंत विहार में हुआ, ये कई जगह पे पहले हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। और जहां तक बात कल की है, तो कल को लेके ये जितने भी बमपंथी सोच वाले लोग हैं, ये सिर्फ राजनीति करना जान रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी किस तरह से सेका जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैं थोड़ा कुछ दिन पीछे आपको ले जाऊंगा, जब देश के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा होना था, तब आपने देखा होगा किस प्रकार से दंगा कराया गया दिल्ली के अंदर। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का सदस्य, उनके संरक्षण में किस तरह से संजय सिंह जी पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता के सारे सपोर्ट में खड़े हो गए कि ताहिर हुसैन का कोई गलती नहीं है। लेकिन बाद में आपने देखा कि सारा सारा जो उनके घर के ऊपर से सारा काम किया गया। तो इस प्रकार से जो ये बमपंथी सोच वाले लोग हैं, इनका एक ही मकसद है देश को किस प्रकार से बांटा जाए, देश के अंदर किस प्रकार से जो है गलत तरीका से जो है जो पाकिस्तानी सोच है उनको लाया जाए। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा जेएनयू के अंदर भी कि वहां पर भी इन लोगों ने किस प्रकार से वहां दंगा कराने का काम किया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, ये सारे के सारे इकट्ठा होके पूरे इस देश के अंदर जो है जो 80% वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार से बदला रहे हैं, उनको किस प्रकार से डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें 4 राज्यों में चुनाव जीता, वो इन लोगों को जो है कहीं से हजम नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि आने वाला टाइम में भी जो है हमारा जो है देश के अंदर जो एक अस्तित्व था वो खत्म होने वाला है। तो
तो उनको किसी किस तरह से खराब किया जाए इसके ऊपर ये लोग काम करने का काम कर रहा है। नहीं, वो बात ठीक है। देखिए, एक सवाल और पूछा जितेंद्र जी ने कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो इसके बाद क्यों कार्यवाही चालू थी, बुलडोजर क्यों चल रहा था? नहीं देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, कॉपी आया, उसी वक्त जो है रोक दिया गया। और जहां तक देखिए बात रहा कि कहा कि मस्जिद को तोड़ दिया, मंदिर नहीं टूटा, जैसे ही नोटिस का कॉपी आया उसी टाइम रोक दिया। उसके बाद भी मंदिर समिति ने रात में जो अवैध निर्माण था वो खुद स्वयं को अपने आप को जो है वहां से हटा लिया। आपका अगर कोई रिपोर्टर या कोई कैमरामैन वहां गया है तो आप उनसे पूछिए कि अपने आप मंदिर समिति ने खुद को जो है जो अवैध तरीका से जो बना हुआ था उसको खुद हटाया वहां से। तो आप ये तय कर सकते हैं कि नोटिस आने के बाद या काम रोक दिया गया या और कार्रवाई नहीं हुई। जो कानून के दायरे में था उस तहत काम किया गया। और वहां पर तो तमाम ऐसे चैनल वहां पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने कागज मांगा। चैनल वाले खुद, बहुत चैनल वाले ने खुद कहा कि अगर आपका कागज है तो आप कागज दिखाइए। किसी के पास कागज नहीं था। अगर आपके पास सुरेंद्र जी देखिए, नहीं बात वो नहीं है। देखिए कागज हमने कहा ना, क्या एमसीडी अंधी थी क्या इतने दिनों से? एमसीडी अपनी आंख, अरे सुन लीजिए भाई, हम जानते नहीं है क्या बाबुओं के खेल क्या होते हैं? हम जानते नहीं है क्या कि इन जोनल अधिकारियों के क्या खेल होते हैं? हमको आप बताएंगे स्लेब डलवाने का रेट होता है? आपको इतना जानकारी हो तो बता दें। हम स्लेब छत का जब स्लेब पड़ता है, सुन लीजिए, पर मंजिल इमारत का जो है उसका रेट फिक्स होता है इन बाबुओं का, इन जोनल अधिकारियों का। और जब जोन इनका बदला जाता है ना, इनसे पूछिए इनके दिलों में क्या गुजरती है। अगर किसी जोन में दो साल कोई टिक गया वहां पर, क्या इनको नहीं दिख रहा था वहां पर? ये कभी नहीं गया क्या जहांगीरपुरी? ये क्या उस रास्ते से कभी गुजरे नहीं होंगे क्या? इन्होंने कभी आख्या क्यों नहीं दी भाई? एमसीडी के अंदर क्यों नहीं इन्होंने कोई इस पर वो किया, आपत्ति दर्ज की? इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर जो हम कह रहे हैं जायज कार्रवाई, मायावती ने भी एक ट्वीट किया उस बात पर हम ये सवाल उठा रहे हैं। हम इस कार्रवाई को कभी भी नाजायज कह ही नहीं रहे। अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण जो भी उनके द्वारा किया गया है उसको मुक्त करवाना चाहिए, लेकिन इन अधिकारियों की भी बख्शना नहीं चाहिए। अब आप ये मत कह दीजिए कि हाँ इन पर भी कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। देखिए, जो गलत अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई, चाहे वो मेरा सरकार हो या किसी और की सरकार हो, अगर जो गलत कार्रवाई नहीं भाई, हम कह रहे हैं जिसके 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 रहते हुए उसका निर्माण हुआ हो उधर और इतने सालों तक इस तरीके से अवैध कंस्ट्रक्शन लगातार बना रहा, बरकरार रहा, उस पर कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, कर देनी चाहिए थी कि वो क्या करता रहा वहां पर। कार्रवाई देखिए, आप ही ने अभी कहा ना कि दो साल से ज्यादा अधिकारी वो नहीं टिकते, तो इसका मतलब तो ये समझ नहीं पाए आप, समझ नहीं पाए सुरेंद्र जी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा अगर किसी क्षेत्र में दो साल कोई टिक जाता है और उसका तबादला होता है तो उसके दिल से पूछिए क्या गुजरती है, क्योंकि उसका फिक्स हो जाता है और कहाँ किससे लेना है और किसको देना है उसका सब फिक्स हो जाता है। दूसरे क्षेत्र में जाकर के फिर उससे नए सिरे से उसको शुरुआत करनी पड़ती है, हमने ये कहा। अब ये तो देखिए, ये तो वो अधिकारी जाने कि उनकी क्या किससे सेटिंग करनी है, किसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो अधिकारी उस विषय में जानेंगे किससे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, या अगर जिसने कुछ लिया है या उसका गलत तरीका से किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई हुआ होगा या होगा, ये तो हो गई एक बात। जहां तक बात रहा, देखिए ये अवैध निर्माण के ऊपर जो आज इतनी बड़ी राजनीति जो हो रहा है, इसका सीधा सीधा जो है ना स्पष्ट है कि इन लोगों को जो है अब देश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका
विश्वास के साथ जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, देश के अंदर जिस प्रकार से एक शांति के साथ देश आगे बढ़ रहा है, ये इन बमपंथी दल के लोगों को, इन बमपंथी सोच के लोगों को हजम नहीं हो रहा। आपने देखा होगा बंगाल के अंदर किस प्रकार से दंगा करा दिया गया, फिर ये लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। आपने देखा होगा अभी जनियों के अंदर वो हुआ, इनके सपोर्ट में खड़े हो गए। अरे भाई, आप अच्छे कामों के साथ आप सपोर्ट कीजिए, अच्छे कामों के लिए आप जो है खड़ा होइए। आपने देखा होगा पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हुई हुई, ये लोगों ने वहां से सबूत मांग दिए। क्या देश के ऊपर, देश के अंदर, देश के बाहर जो है अच्छा काम होगा तो आपको अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप सबूत मांगेंगे ताकि बाहरी जो है ताकत जो है हमारे देश के ऊपर हमला करे? ये कहां की सोच है, ये कौन सी राजनीति के है? अरे राजनीति का आपको करना है आप कीजिए, लेकिन अच्छी सोच के साथ कीजिए, इस देश के विकास के लिए कीजिए, इस समाज के विकास के लिए कीजिए। ठीक है, आपको किसने मना किया कि आप राजनीतिक नहीं कीजिए? चलिए, राजनीतिक कीजिए, राजनीति पार्टी भी राजनीति करने के लिए। अगर ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे क्या? अगर ये राजनीतिक नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या ये ठेला लगा करके सब्जी थोड़े ना बेचेंगे? हम थोड़े ना राजनीति करेंगे भाई। सुनिए, बुलडोजर चलाने से देश का विकास होगा? अरे जो गलत तरीका से जो जो आम लोगों की जमीन को कब्जा करेगा, जो जो गुंडागर्दी करेगा, जो गलत तरीका से लोगों को धमकाएगा, उसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे? ना तो गुंडागर्दी की कोई वहां एग्जांपल है, ना कोई कब्जा करने की वाली बात है। ये अवैध निर्माण एक हमारे इन्हीं जो बीजेपी अपना एमसीडी है ना बीजेपी की, इन लोगों की मिली भुगत से अवैध निर्माण होते हैं। और आप बार बार ये जो बात कर रहे हैं बाहरी ताकतों की, देश के विकास की, अरे यहाँ बुलडोजर चलाने से बाहरी ताकत कहाँ पे आ गई, कहाँ पाकिस्तान आ गया इसमें? अरे भैया, आपके जो है आपके बड़े बड़े नेता जो है इन बमपंथी दल सोच वाले लोगों के साथ हमेशा खड़ा होते हैं, जलियों के अंदर जाके ट्वीट करते हैं कि मैं सभी को मत अपना, ये लोग सभी सभी को लोग देखिए, मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र का जो है इज्जत किया है, और उस लोकतंत्र के प्रक्रिया के अंदर हमेशा कहा है कि विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है इस देश के विकास के लिए। तभी कांग्रेस मुक्त का नारा करते चले आए हैं अभी तक आप, तभी कांग्रेस का मुक्त का नारा की। अरे सुनिए, मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीका से ये टुकड़े टुकड़े गए वाले लोग हैं। तभी कांग्रेस कांग्रेस मुक्त देश का नारा करते हुए चले आए हैं ना आप, हमेशा विपक्ष कहते हैं कि विपक्ष का, आप कह रहे हैं कि विपक्ष से रहना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तभी कांग्रेस का मुक्त कर देंगे और विपक्ष मजबूत रहेगा। ठीक है, हमने परिवार बात का नारा दिया कि अरे आपने तो, आप सुन लीजिए भाई, आप सुनते नहीं, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। सुरेंद्र जी, आपको जानकारी नहीं है, आप सुन लीजिएगा, आपके सैकड़ों नेता, एक नहीं सैकड़ों नेताओं की क्लिप, अभी चली जाइए इंटरनेट पर, सैकड़ों नेताओं की क्लिपिंग आपको मिलेगी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा, गलत नहीं कह रहे हैं। आप उपाध्याय जी देखिए, ये जो विदेशी ताकतों का जो जिक्र हो रहा है, रोहिंग्या का जिक्र हो रहा है, ये सब तमाम सारी चीजों का जो आज से तो हो नहीं रहा है लंबे समय से, और खासतौर पर जब चुनाव आता है तो उस दरमियान इसका सिलसिला और बढ़ जाता है, इन पर चर्चाएं और बढ़ जाती हैं, नोकझोंक बढ़ जाती है, तकरार बढ़ जाती है। लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो केंद्र के अधीन ही है, 8 साल हो गए हैं। और दूसरी बात कि तमाम सारी एजेंसियाँ हैं लोकल एजेंसियों से लेकर के केंद्र की एजेंसियाँ तक, क्या ये 8 सालों में अभी तक ये चिन्हित नहीं कर पाई हैं कि हमारे देश के अंदर ये कितने घुसपैठी बैठे हुए हैं और कहां कहां पर बैठे हुए हैं? और 8 साल से क्या एक भी घुसपैठी अंदर नहीं आया देश के अंदर? और अगर आया तो इस पर कौन फ्लॉप है? जो आरोप बढ़ रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष पर वो, या फिर विपक्ष जिम्मेदार है इसका? देखिए, चिंता की बात ये है योगी कि बॉर्डर से घुसपैठ हो जाती है
यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता है, अवैध निर्माण भी हो जाता है। दिक्कत यही है, चिंता का विषय यही है। फ्री राशन, फ्री बिजली और फ्री वो सब कुछ मिल जाता है तो रोहिंग्या भी आएगा, बांग्लादेशी भी आएगा, इससे अच्छा स्वर्ग हो कौन सा सकता है। एक यही देश है कि आप आराम से चले जाइए, वहां बॉर्डर से भी आपको घुसपैठ करा दी जाएगी और यहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। सुनियो जो तरीके से हिंसा फैलाई जाती है, सुनो जो तरीके से इलाके की शांति व्यवस्था भंग कर दी जाती है। अभी मैं सुन रहा था कि भी सभी को एक साथ रहने का अधिकार है देश में, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अधिकार जम्मू कश्मीर में कहां चला जाता है? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं एक साथ रहने का अधिकार दिया जाता? क्यों उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, अत्याचार किया जाता है, भगा दिया जाता है, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है? क्या उनको अधिकार नहीं है इस देश? बाकी सबके अधिकार हैं साथ रहने के। ये जो विडंबनाएं बिना राजनीतिक संरक्षण के न अवैध घुसपैठ होती है, न बिना राजनीतिक संरक्षण के अवैध निर्माण होता है, और जब अवैध निर्माण होता है जमीन पर कब्जा किया जाता है तो कौन सा नोटिस और कौन से संविधान का पालन होता है? लेकिन जब उसी को मुक्त कराने की बात आती है तो संविधान भी होता है और कानून भी अपना काम करता है। जब बनना होता है, जब घुसपैठ हो रही होती है, तब ना कोई संविधान होता है ना कानून होता है। ये विडंबना है इस देश की और इसी से देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, जगह 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 आप देखेंगे सुनो जो तरीके से हिंसा की जा रही है, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, चाहे हनुमान जी का प्रगट दिवस हो। जबकि आप देखेंगे कि दूसरे वर्ग के जो भी त्योहार होते हैं उस पर कोई पत्थरबाजी और हिंसा नहीं होती है। और देखिये ये भी यथार्थ है योगी, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, और जब दो भाइयों का बंटवारा हो जाता है तो अपने अपने घर में शांति से रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, बंटवारा भी हो गया धर्म के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जमीन का हिस्सा भी ले लिया, लेकिन रहने के लिए यही रहेंगे। भाई जब यही रहना था, यही खाना था, ये बंटवारा बेमानी था। बिल्कुल, क्यों बंटवारा हुआ? और आज भी भारत इस दंश को बुरी तरीके से झेल रहा है। जगह जगह अगर कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो रही है, एक वर्ग विशेष की वजह से खड़ी हो रही है, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो अहमदाबाद हो। भागलपुर में क्या हुआ, हजारों हिंदू मारे गए थे, किसी को याद नहीं आती है, न कहीं कोई चर्चा होती है। कश्मीरी पंडितों को आज भी न्याय नहीं मिला है, कितनी चर्चाएं हो रही हैं। और यहाँ अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा इंकलाब आ गया। नहीं होना चाहिए, बसे रहने देना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए जो देश के लिए खतरा है, उनको संरक्षण देना चाहिए, उनको राशन भी मिलना चाहिए, उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो रामनवमी के जुलूस में अशांति फैलाएंगे, शांति भंग करेंगे, हमला करेंगे, उस संवैधानिक प्रावधानों का फायदा उठाते हुए देश को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। देश विरोधी ताकतें सुनियोजित तरीके से घुसपैठ कराती हैं, सुनियोजित तरीके से बसाती हैं, और यही स्लीपर सेल का काम करते हैं। जब भी कभी कोई जरूरत होती है तो विदेशी ताकतें इनको अपने तरीके से प्रयोग में लाती हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश करती है। लेकिन सबको सोचने की जरूरत है, बजाय राजनीति के इसका निराकरण क्या होगा, इस तरफ ध्यान देना होगा। और बिल्कुल मैं कहता हूं कि अगर ये तोड़े जाएंगे, फोड़े जाएंगे, तो इस तरह से कोई कब्जा करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, दो महीने बाद तोड़ देगी सरकार। अब क्या है कि सरकार तोड़ नहीं सकती, बना दिया है, चाहे मेरा अवैध निर्माण है, मैंने सड़क घेर लिए, लेकिन सरकार को मैं आंख दिखाऊंगा, कोई हाथ नहीं लगाना है, अभी कोर्ट जाऊंगा मैं, कोर्ट का आदेश आएगा, नोटिस दिया जाएगा, तोड़ जाएंगे, ठीक बात। हां देखिए दूसरा ये है, अभी प्रश्न आ रहा है कि भाई वो बुलडोजर चलता रहा, कोर्ट ने आदेश कर दिया। देखिए इस बीच में प्रक्रियाएं होती हैं, योगी दर्शक भी समझ लें, कोर्ट आदेश कर देता है, आदेश टाइप होता है, फिर उसकी कॉपी
संबंधित विभाग या एजेंसी तक पहुंचाई जाती है, उससे रिसीव करवाई जाती है, तब वो एजेंसी बाध्य होती है उस कार्रवाई को बंद करने। मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मुझे सपना नहीं आ रहा है, मान ली मीडिया ने दिखा दिया, तो मैं कार्रवाई न कर सकता हूँ न बंद कर सकता हूँ। कोर्ट का आदेश तब तक पारित, मान ली जेल में कोई बंद है, कोर्ट ने आदेश दे दिया, जमानत दे दी उसे, तो ये नहीं है कि उसे बाहर कर दिया जाएगा। उसका बाकायदा फरमान जेल में जाएगा, जेल अधिकारी उसे रिसीव करेगा और उसके बाद कानून के तहत उसे बाहर निकालेगा। तो कानूनी प्रक्रिया, एक तरफ तो आप कहते हैं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, नोटिस नहीं मिला, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जैसे कोर्ट का आदेश हुआ था वैसे ही वहां बुलडोजर रुक जाना चाहिए था। कैसे रुक जाता बुलडोजर, जब तक ऑर्डर बुलडोजर वाले के पास तक नहीं पहुंचेगा या संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं विडंबनाएं इस देश के अंदर बहुत सारी हैं, लेकिन घटना की भयावहता को समझना होगा। अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती, अगर पुलिस, देखिए पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिस मुस्तैद थी वहां पर, तो कितनी हत्याएं हो जाती, कितना खून खराबा हो सकता था, और इसको किस तरह से रोका जाए भविष्य में इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो। इस पर चिंतन करना चाहिए और सरकारों को सोचना चाहिए, और ये राजनीतिक दल जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियों सेकने के बजाय इस बारे में सोचना चाहिए और विचार मंथन करना चाहिए। ठीक बात आप कह रहे हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के साथ हमारे बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो जिस तरीके से अब जहांगीरपुरी मामले को लेकर के लगातार राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, और अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में एक बार आज फिर से सुनवाई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये कार्रवाई पर रोक लगातार जारी रहेगी या फिर कार्रवाई आगे फिर से एक बार शुरू होगी। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।